लालू मर रहा है, लालू मर रहा, उसपे सिक्योरिटी का कितना खर्चा है, कितना करोड़ों रुपया दिया जा रहा है, के बाप से लेना चाहिए। हिंदुस्तान में हम सभी रहते हैं, सभी का हिंदुस्तान है, किसी एक का नहीं है हिंदुस्तान। कितने भी नेता हैं एक दूसरे पे जूते मारते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, पब्लिक को ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं। हाँ अंकल जी, कैसी सरकार चलाई है नरेंद्र मोदी? बहुत बढ़िया चलाई है। राहुल गांधी कहते हैं देश को गर्त में डुबो रहे हैं, 9 साल में देश बर्बाद कर। वो तो पप्पू है, उनको क्या पता है? क्या पप्पू है, उनको क्या पता? क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उनको इतने बड़े पढ़े लिखे नहीं। गांधी ने क्या करा है, पढ़े लिखे हैं तो ये बताओ, कांग्रेस ने क्या करा है? भारत जोड़ो यात्रा करी उन्होंने, कुछ भी कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वो कहते हैं कि हम आए थे तो हम एम्स बनवाए, एयरपोर्ट बनवाए, और मोदी जी आके सब बेच रहे हैं। कुछ नहीं बेचा है, सब कुछ बढ़ रहा है, बढ़िया। यूपी को देख लो, राम मंदिर देख लो, धारा 370 हटा दी उन्होंने, आगे भी मोदी ही आएंगे। मोदी ही आएंगे दो। अच्छा आप मुझे कुछ काम बता दीजिए जो आपको ज़्यादा अच्छे लगे हैं नरेंद्र मोदी। बता तो रहे हैं आपको, राम मंदिर उन्होंने बनवाया, जो 5 साल में किसी ने करा, राम नरेंद्र मोदी ने कर दिया 9 साल के अंदर। कहते हैं कि ये सरकार हिंदू और मुसलमान में लड़ाई करवा। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो भाई पार्टीबाजी है, वो तो जो मर्जी कर सकते हो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, पार्टीबाजी बस। बिल्कुल, और क्या है। लोग कुछ लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, आपको लगता है ये रोजगार वाले मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो देश है, हिंदुस्तान है, सब कुछ होगा, इसका चलेगा, बनेगा, हिंदू राष्ट्र ही बनेगा। सबको रहना चाहिए इस देश में बराबर का। बिल्कुल बिल्कुल, मिलना चाहिए सबको बराबर। चलिए, हाँ अंकल जी आप क्या बोलेंगे, कैसे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी? सर प्रधानमंत्री के रूप में तो बहुत बढ़िया हैं, मगर जो कार्य कर रहे हैं, कुछ कार्य वो बहुत गलत कर रहे हैं। जैसे क्या गलत कर रहे हैं? आप बढ़िया भी बता रहे हैं लेकिन कह रहे हैं गलत। नहीं, गलत कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। एक ही उपदेश को बार बार बोलना, लोगों को गलत भ्रम में फंसाना, कुछ ऐसी गलत नीतियां अपनाना, वो बड़ा अपराध है, वो किसी के लिए भी है। हमें हिंदुस्तान में हम सभी रहते हैं, सभी का हिंदुस्तान है, किसी एक का नहीं है हिंदुस्तान। ये नहीं है ब्राह्मणों का हिंदुस्तान होना चाहिए, मौलवियों का हिंदुस्तान होना चाहिए, पाखंडियों का हिंदुस्तान, वो नहीं होना चाहिए। हाँ लगता है ये सरकार जो है, आप कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे लड़वाते, लेकिन वो तो सबका साथ सबका विकास की बात। ये सब ड्रामे हैं। मैं मीडिया में हूँ, 35 साल मीडिया में काम कर रहा हूँ श्रीमान जी। हाँ, दूरदर्शन मंडी हाउस हेडक्वार्टर में। हाँ जी, तो सरकार में रोजगार पर आपको लगता है काम हुआ है? अब अभी बिजनेस के लिए जीरो है, कुछ नहीं हुआ। हुआ होगा तो 2-3% हुआ होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 2024 में आप किसे देखना चाहेंगे? मेरा सर देखिए, मैं क्या देखना चाहूँ, ये सारी पब्लिक देख रही है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं जैसे नरेंद्र मोदी आएंगे, कुछ कहते हैं राहुल गांधी, कई लोग आ जाते हैं वो कहते हैं नहीं अब अरविंद केजरीवाल में भी एबिलिटी है प्रधान। नहीं, एबिलिटी है प्रधानमंत्री में, उनमें योग्यता है, मगर अभी पूरा तरीका नहीं बना है, यानी कि जोश नहीं है उनमें ऐसा मिटने का। ये होता है, उन्होंने कैसा काम किया? हम अभी दिल्ली में ही खड़े हैं, दिल्ली में कैसा? दिल्ली में उन्होंने काम अभी है ना, मुश्किल से 10-20% काम किया। अभी उन्हें काम करने के लिए बहुत आगे चलना पड़ेगा, और अभी मुख्यमंत्री ही रहना चाहिए, प्रधानमंत्री की सोच नहीं करनी चाहिए। अपने नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा है आपसे, वो प्रधानमंत्री को अनपढ़ बताते हैं, चौथी पास बताते हैं, आपको लगता है इस तरह पर्सनल हमले बोलना सही? सर ये सब जितने भी नेता हैं एक दूसरे पे जूते मारते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, पब्लिक को ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं, सबसे ज़्यादा पब्लिक पे है सबसे ज़्यादा कांड जो भी कर रहे हैं सब। एक बात बताओ, ये लोग इतने हैं, इन लोगों को सिलेंडर कितने चाहिए? एक MLA को कितने सिलेंडर चाहिए? एक आम आदमी को कितने सिलेंडर चाहिए? सामान्य घर के लिए तो एक सिलेंडर काफ़ी है, 3 में तो उनको भी आधा ही चाहिए ना। क्यों एक दिया जाए? उनको 30 दिए जाते हैं एक महीने में, 30 सिलेंडर। ऐसे ही MP है, उनको भी ऐसे दिए जाते हैं, फ्री बिजली फ्री पानी उनको दिया जा सकता, और किसी को नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता आम पब्लिक को? कहते हैं कि आम पब्लिक को देंगे तो ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है, जो आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। हाँ, इनकी जितनी सिक्योरिटी पे लगाया हुआ पैसा इनके बाप से लेना पड़े, बाप से ले। हाँ बिल्कुल, नेताओं से लेना चाहिए। लालू मर रहा है, लालू मर रहा, उस पर सिक्योरिटी का कितना खर्चा है, कितना करोड़ों रुपया दिया जा रहा है, के बाप से लेना चाहिए, हर एक के, कोई एक से नहीं सबके। मुलायम सिंह को देख लो, हमारे का पहलवान,
और सारा बन गया इतने तगड़ी। वो देख लो आज वो क्या नाम है वो पहलवानों का राजा ब्रिजभूषण, हाँ ब्रिजभूषण जी श्रीमान जी, वो क्या हाल है 35 साल से सरकार पे बेवकूफ़, 8 एकड़ में जमीन अपना मकान बनाना क्यों भाई? आम आदमी के लिए तो 50 गज की जमीन नहीं है, क्यों होता है ये इस देश में? यही तो दुर्भाग्य है इस देश, यही बदलाव आना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर सिक्योरिटी का मामला देना है तो सिक्योरिटी में इनसे पैसा लेना चाहिए। चलिए बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर 2024 को लेकर जनता की राय जानी आपने, देखते रहिए सौगंध टीवी, कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं सुमित कुमार सिंह। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।